देखिए बता दो, रामपुर की खबर है जहां पर अब्दुल्ला आजम खान की जो है नामांकन की झूठी अफवाह फैलाना और झूठी पोस्ट करना फेसबुक पर जो है एक युवक को भारी पड़ा है। आपको बता दें रामपुर के थाना अजीम नगर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है। फर्जी फेसबुक पर जो है फर्जी आईडी बनाकर और कई तरीके की झूठी अफवाहें फैलाता था और अब्दुल्ला आजम खान के नामांकन की झूठी फेक खबर इसने जो है प्रकाशित की थी फेसबुक पर, उसी को लेकर जो है शिकायत हुई। उसके बाद जो है पुलिस एक्शन में आई और इस युवक को जो है गिरफ्तार कर लिया। आईटी की सेल ने जो है इस पर निगरानी रखी थी और क्या क्या कर रहा है ये उस पर सारी तरीके से इसकी छानबीन की। उसके बाद इसको जो है थाना अजीम नगर की पुलिस ने गिरफ्तार। समाजवादी पार्टी के लोगों में और सपा कार्यकर्ताओं में काफ़ी नाराजगी थी क्योंकि आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान की रामपुर ज़िले में शाख पर जो है लगा हुआ है चुनाव और इस शाख को नहीं चाहता है कोई भी जो है कोई बदनाम करे, किसी तरीके की फर्जी फेक पोस्ट करे। तो लिहाजा इस युवक को जो पुलिस की कस्टडी में ये खड़ा हुआ है इसको भारी पड़ा है अब्दुल्ला आजम खान की झूठी नामांकन की खबर को पोस्ट करना। फिलहाल थाना अजीम नगर पुलिस ने इसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और कार्रवाई कर इसको जेल भेज दिया है। और हमारे अपील है सभी लोगों से कि सब लोग ऐसी पोस्ट ना करें बिना जानकारी के और बिना सबूत के कोई पोस्ट ना करें फेसबुक पे या यूट्यूब पे या किसी तरीके के, क्योंकि पुलिस बहुत सख्ती पर है और पुलिस FIR तुरंत दर्ज कर रही है। लगातार पुलिस की निगाहें आईटी सेल पर है। जो भी सोशल मीडिया पर जो है गलत टिप्पणी कर रहा है, अभद्र भाषा कर रहा है या फेक न्यूज़ डाल रहा है तो उस पर एक्शन तुरंत हो रहा है, FIR हो रही है और उस पर कार्रवाई कर उसको जेल भेजा जा रहा है।